बीते 5 दिनों से मजदूरों और श्रमिक संगठनों द्वारा अवैध राशि वसूली प्रकरण में परिवाद देने के बाद भी ठेकेदारों, स्थानीय प्रशासन और बिजली घर प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी। डिप्टी एसपी प्रभुलाल कुमावत ने कार्यालय पर हुई बैठक में सहमति नहीं बनने पर गुस्साए श्रमिक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मजदूर संगठन और कर्मचारी आरोपी ठेकेदार दीक्षित एंटरप्राइजेस और ठेकेदार फर्म अपार्टमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज निर्माणाधीन 7 और 8 इकाई के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई करने के लिए अड़े। सहमति के लिए डिप्टी एसपी प्रभुलाल कुमावत ने 110 ठेकेदारों की बैठक बुलाई, परंतु केवल 20 ठेकेदार ही पहुंचे। आरोपी ठेकेदार बैठक से नदारद रहे, जिसमें गुस्साए श्रमिक संगठनों ने उन ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई करने और बिजली घर प्रशासन द्वारा उनको ब्लैक लिस्ट करने की मांग उठाई। 4-5 महीने हो गए, प्लांट वाले कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे। इनका पीएफ ईएसए सब लोग है, बताओ क्या करेगी ये महिला के लिए। बच्चे छोटे छोटे और अकेली हूँ, सास ननद बस दोनों ही है, जो वो बात भी नहीं करते। अब अकेली हूँ, मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। शिकायत दी थी, शिकायत दे रखी है, थाने में भी दे रखी है सब जगह, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना टाइम हुआ शिकायत दी? देखो हो गए 2 महीने पर हो गया शिकायत दी। इनपेशन दे आपका पुष्पा, मजदूरी का आधा हिस्सा ठेकेदारों को दे देने से भी ठेकेदार संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो मजदूर आंदोलन पे जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी। बबलू उसे गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के जिनके खिलाफ हमने आरबी शर्मा जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी पोजीशन, कोई भी एक्शन पुलिस प्रशासन नहीं लिया है। हमने कह भी दिया है कि साहब हम गरीबों के ऊपर बड़ी जल्दी एक्शन लेते हो, आप लोग आगे क्या करने वाले हो? आगे क्या कर रहे हैं? कल सुबह 7 बजे हमारा तंबू भर जाएगा, हम लोग पूरे रावत बेटा के मजदूर, पूरे ठेका कर्मचारी, हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कब से? कल से, कल से, कल सुबह 7 बजे। आज शाम तक अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, कल सुबह 7 बजे हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, महाआंदोलन का। अभी कुछ ही दिनों पहले या वर्तमान में कुछ मजदूर मेरे पास आके बोलते हैं कि साहब कुछ ठेकेदार हमारे को काम पे रखने के लिए पैसे लेते हैं तथा प्रतिमा हमारे से चोट वसूली करते हैं, इस प्रकार की शिकायत आई। किसी व्यक्ति ने, मजदूरों ने नामजद इसलिए नहीं करी, उनको ये डर रहता है कि भी हम अगर नामजद शिकायत करते हैं तो ठेकेदार हमारे को नौकरी से निकाल देगा। इसीलिए मैंने कल 2 दिन पहले पत्र भेज के सभी ठेकेदारों को यहाँ पर बुलाया है। मुख्य आरोपी ठेकेदार है या जिसका भी हमने प्रार्थना पत्र थाने में दे रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और उनको बुला के वार्तालाप की जाएगी, नहीं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।